ब्राह्मण माजरा विच पिछले कई दहाकिया तो पक्के मकान बना के रह रहे लोगों पासों विवादित जमीन खाली करवाने लिए अज सिविल प्रशासनिक अधिकारियों वल्लों अज मानयोग अदालती हुक्मां ते कार्रवाई करदिआं वड्डी तादाद विच पुलिस फोर्स नाल कब्जा लैण दी कार्रवाई अमल विच लिआंदी गई। गौरव बंसल वाधू चार्ज तहसीलदार फतेहगढ़ साहिब ने दसिया कि जज के हुक्मां तहत अज उन्हां पुलिस प्रशासन के सहयोग नाल 3 कनाल 18 मरले जमीन की कब्जा कार्रवाई अमल में लियांदी गई है। उन्हें दसिया कि जगजीत सिंह अते बाबू सिंह दरमियान लगभग 25 तो 30 साल तो चलते केस विच अज यह कार्रवाई अमल में लियांदी गई है। नरिंदर राम ने दसिया कि वह कई दहाकिया तो इत्थे अपने परिवार समेत रह रहे हैं। वह इस जमीन की बनती वाजब कीमत भी अदा करने तैयार हैं, इसलिए उन्हां दा उजाड़ा ना कीता जावे। बाड़ दे कौंसलर जगजीत सिंह कोकी ने दस्या कि इस झुग्गी चौंपड़ी विच रहण वाले सारे गरीब परिवार हन। उन्हां कहा कि उक्त व्यक्ति असल मालक नूं अपनी रहण वाली जगह दी बनदी रकम देण लई तैयार हन। मैं ब्राह्मण माजरे साडी बस्ती है, 58 सालां तों रह रहे हां वी, असीं बहुत पुराने रह रहे हां। सानूं पहला साडा कब्जा करिया वा ती सिलमा, सिलमे दे कोल उत्थों सानूं चक के कमेटी ने पलाड़ दित्ता, पलाट दिते ते कुछ ही दिनों च असी केस कोई नहीं करया। असी केस ने केस करया कि भैया बाहरों आके उन्हें केस करया, उन्हें केस करया तो बिपता सानू पा गया, आप गया मारा, तो असी इहदी कीमत जायज देने को तैयार है भी जो जो सरकार की बनती है वो असी देने को तैयार। गल कीती वी किन्ने परिवार ने किन्ने के घर खाली, इत्थे फर्क 20-25 घर 30 घर है जेडे खाली करने वह कह रहा भी जिन्हें कोई अद्धे विश्व च बैठा है, कोई विश्व च 3 घर बैठे हैं, जिस तरह थोड़ी थोड़ी असी गंध च जिंदगी गुजार रहे। तो हम कब्जा इन्होंने ले लिया, हम तुसी की करोगे? कब्जा इन्होंने कब्जा सी कब्जा तो है तब इन्हें असी पैसे देने को तैयार नहीं। इन्हें कब्जा देता जो निशानदेही की है, निशानगी होगी तो असी इहदी कीमत भरने को तैयार है। जो सरकार बैठे हुण तुसी इत्थे रहोगे या फिर खाली? नहीं, असी तो इत्थे रहांगे, इत्थे मरांगे, इत्थे जीवांगे, इत्थे ही मरांगे, इत्थे ही जीवांगे। जिहड़ा सरकार ने रेट कड्डिया पुराने दे देण तैयार है जी। सारी बस्ती है जिहड़ी, मैं वार्ड दा एमसी हां जगजीत सिंह कोकी, जिहड़ी सारी बस्ती है सारे गरीब बंदे ने। पहलां तो 300-400 घर सी, जिहड़े घर जा रहे ने 20-25, यह भी सारे गरीब बंदे ने। असीं तां प्रशासन तों यही मंग करदे हां वी इह गरीब बंदिआं नूं चक्किआ ना जावे, जां फिर असीं जिहदे जिहदी इह जगह बच्चे ने सारे जाणगे कित्थे बेचारे, जां तां कोई प्रॉपर जगह दित्ती जावे इन्हां नूं। आई वेरी सारे बंदे इन्हां दीआं वोटां लै जांदे ने ते बाद विच जदों सरकारां आ जांदियां ने आही कुछ हो जांदा। देखो इन्हां दा प्रॉपर हल कीता जावे, जा फिर जिहदी जगह वो सारे इन्हां तों पैसे भरवा लवे, ये पैसे भरन नूं भी तैयार ने। लियाओ उन्हूं बिठा लो, असीं पैसे भर दिंदे आ ते सारे इत्थे रहण बेचारे। अगे भी 60-70 साल तों इत्थे ने, इह कहिड़ा कोई नवें रहण लगे ने, ठीक है ना जी? सारे पुराने बंदे इत्थे ने। अडिशनल चार्ज मेरे को तहसीलदार फतेहगढ़ साहब का है, तो वैसे मैं नायब तहसीलदार फतेह चनारथल गल लग्या हुआ। अज श्री मती पैमलप्रीत गरेवाल जी कोर्ट के सानू पोजैशन लिए कब्जा कार्रवाई रखी गई थी, जिद अगली तारीख पेशी 29 तरीक है। उससे पहला जो असी पुलिस प्रशासन के नाल जगजीत सिंह का जो केस चल रहा था बाबू सिंह वो भी कब्जा कर मुकम्मल करके जगजीत सिंह कब्जा हैंडओवर किया। ਕਿੰਨੀ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ 26 ਮਿਸਲ ਦਾ 10-3 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।